जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं, और ना पढ़ाते हुए भी पढ़ाने की फील्ड में बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज माय एब्सोल्यूट ऑनर, अ प्रिविलेज टू वेलकम अवध ओझा सर टू जॉइन अन अकेडमी विद अस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। किताब मैं आपके लिए लाया हूं जो आपको बहुत पसंद है, तो इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। और सर से पढ़कर ऑफलाइन दिल्ली सेंटर के अंदर तो कई सारे विद्यार्थियों को, लाखों विद्यार्थियों को इतने सालों तक फ़ायदा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अब पूरे भारत में किसी भी जगह बैठे बच्चे भी दिल्ली में अंदर ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी सर की सारी पढ़ाई का, शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। सर आई वेलकम यू टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। मैं सुदर्शन सर को रिक्वेस्ट करूँगा सर स्टूडेंट्स के लिए कुछ शब्द। कोशिश तो हम लोगों की सर के साथ, सबके साथ अच्छी हमेशा बनी है कि सब कुछ बेस्ट दें, और आज मुझे लगता है फिर यूपीएससी कैटेगरी में नवोदय हुआ है सर के आने से, हो जा सकता है। सर सो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इनिंग विद अन अकेडमी, पढ़ाएंगे तो है नहीं जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं, और ना पढ़ाते हुए भी पढ़ाने की फील्ड में। आतिश साहब जो कह रहे थे कि आपने हमें सोचना सिखाया, वो मैंने भी किसी से सीखा। पढ़ाई जो है एजुकेशन, एजुकेशन और कंपटीशन दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब दोनों का कोई मेल है ही नहीं। अगर पढ़ाई से लोगों का सिलेक्शन होता तो जितने भी टॉपर्स होते हैं कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, वो सब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं सारे। ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो फिर एजुकेशन करती क्या है? जैसे अभी आतिश सर ने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद है ये, और मैं आज कहूँगा आपसे कि आप सारे लोग इस किताब को ले जरूर लें, इग्नाइटेड माइंड्स बाय एपीजे कलाम। मतलब इस किताब में इस व्यक्ति ने ये बताया है, दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू स्नेहिल। आनंद में एक स्कूल है, वहाँ पर एक लड़की ने, इन्होंने पूछा था कि वॉट इज़ द रूट कॉज ऑफ पावर्टी इन द वर्ल्ड, सफरिंग, सॉरी, वॉट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड। तो एक छोटी सी लड़की थी क्लास सिक्स की, उसने कहा पावर्टी। तो इन्होंने बड़ा वो बात टच कर गई कि छः साल की बच्ची बोल रही है पावर्टी। तो ये किताब इन्होंने उसको डेडिकेट किया, और अपने 13 चैप्टर्स में उन्होंने ये बताया कि यार ये पोटेंशियल है क्या। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, गौर करना, एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि देखो मैं घर से बाहर निकली हूं और मुझे घर वापस आते आते रात के 12 बज जाएंगे, तो तुम खाना बना लेना, बर्तन साफ कर लेना, और बच्चों को खाना खिला के और खुद खा के सो जाना, मैसेज किया। फिर 2 मिनट बाद उसने फिर मैसेज किया कि देखो मैं बाहर आई हूं तो तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहती हूं, विस्की ले आऊं या स्कॉच, क्या लेके आऊं? अरे तुम्हारी चॉइस, तो ही पूछ रहा है। तो उस आदमी ने तुरंत मैसेज किया कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल। बोली ठीक है ठीक है, मैं बस इतना चेक कर रही थी कि तुम मैसेज देख रहे हो कि नहीं, लाना वाना तो कुछ मुझे है नहीं। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। बड़ी प्यारी चीज है दुनिया में, इतनी प्यारी चीज है, मतलब अगर तुम नहीं भी पढ़े लिखे हो, कबीर कहां पढ़े लिखे हैं, पर कबीर के दोहे रिसर्च होती है उन पे, कभी स्कूल ही नहीं गए, पर चीजों को देखा, ऑब्जर्वेशन लेवल इतना हाई है। तुम्हारी एजुकेशन अगर तुम्हारे ऑब्जर्वेशन लेवल को नहीं बढ़ा पाई, और ऑब्जर्वेशन लेवल से क्या जुड़ा हुआ है, कॉमन सेंस। अब उन्होंने खजूर का पेड़ देखा, दोहा बना दिया, उसकी रेलेवेंसी दिखा दी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कमेंट किया,
उस रिचनेस पे जो समाज के काम नहीं आ रही है। नहीं किया, कमेंट किया उस रिचनेस पे जो समाज के काम नहीं आ रही है। अब ये आदमी कहने को तो इलिटरेट है, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इसका माइंड कितना फंक्शनल है, ये होता है कॉमन सेंस, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो चीज तुम्हें देखना सिखाए। हमारे एजुकेशन का मतलब क्या है? परसेंटेज, बस। जबकि जिंदगी में कहीं भी अगर परसेंटेज काम आता होगा तो दो तीन एग्जामिनेशन है इंडिया में, उसमें से एक है AFMC, मिलिट्री का जो मेडिकल एग्जाम होता है, या बहुत सारे कॉलेजों में तुम्हें परसेंटेज के नाम पे एडमिशन मिल जाती है। लेकिन जिंदगी में जो युद्ध है, जूझना जिसको कहते हैं, जो तुम अब फेस करना शुरू कर चुके होगे, उसमें कहां परसेंटेज काम आता है? उसमें सिर्फ एक ही चीज काम आती है, पर्सनैलिटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कितने सारे लोग सिर्फ इस बात पर परेशान होंगे कि ऑप्शनल क्या रखूं, कहने की कोई बात ही नहीं है। और जितने लोगों से पूछोगे, अब डिसीजन लेने का एक तरीका है, ये सारे ग्रेट लोग हैं, मैं इन पर चर्चा करूंगा अभी, मैं आज बड़ी सारी बातें बताऊंगा। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप अन अकेडमी क्यों आए, अरे भैया पैसा ज्यादा मिल रहा है। जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। सिंपल, जिसको भी पैसा नहीं चाहिए वो दिल्ली में होगा ही नहीं। दिल्ली आ सकता है, मुंबई आ सकता है, रहेगा नहीं, मेट्रोस है ये, यहां सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। मतलब इतना पोल्यूशन है कि तुम्हें अपने घर में अगर एयर प्यूरिफायर नहीं है ना, तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो जिन जगहों पे सांस लेने का, अच्छी सांस लेने का पैसा देना पड़ता है, उन जगहों पे तुम ये कहोगे कि मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं, एकदम आया हूं। तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, अपनी यूटिलिटी बढ़ाओ। हम जितना ट्रॉल होते हैं, उतना शायद ही कोई आदमी ट्रॉल होता हो। और इतना मजा आता है मुझे ट्रॉल होने पे कि बताओ, तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम हम पे चर्चा करते हो, और जितनी बार मुझे ट्रॉल करते हैं उतनी बार मेरा ग्राफ और ऊपर चला जाता है। भाई बेइज्जती उस आदमी की करो जिसको इज्जत की परवाह हो। जीवन में गलत कॉन्सेप्ट्स कभी रखने ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव टर्म है सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है। तुम किसी भी फील्ड में हो सकते हो, कुछ चीजें तो तुम डिस्कस कह ही नहीं सकते अपने मुंह से कि मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं दुनिया बदल दूंगा। तुम कुछ ना कर पाओगे, बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो। और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो, विथ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। लाइफ को उलझाओ बिल्कुल मत। अगर तुमने जिंदगी को उलझाया, जैसे मैं अभी कबीर की बात कर रहा था, कितना नहीं पढ़ा हुआ आदमी, नहीं गया स्कूल हुआ आदमी, लेकिन उसका लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हाई है। फिर मैंने कहा कि तुम डिसीजन लेते होगे ऑप्शनल का। अब डिसीजन की एक बहुत, डिसीजन जो चीज है दुनिया में, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि जब भी तुम डिसीजन लेने की कोशिश करते हो,95% लोग दुनिया में डिसीजन जब लेते हैं तो यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं लेते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं कि अच्छा क्या है। अब मान लो तुमने ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी दो सब्जेक्ट का अच्छा सोच रहे हो, अच्छा पहला पर्सपेक्टिव तुमने लिया कि दोनों में अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, तुम कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे।
क्योंकि दोनों अपनी अपनी पर्सपेक्टिव पे दोनों में कुछ ना कुछ खासियत है. तो फिर डिसीजन लिया किस पे जाता है, यूटिलिटी पे. यूटिलिटी पे, रेलेवेंसी पे, चॉइस पे. जित 95% लोग इस पे लेना चाहते हैं, इस पे और हर चीज में कुछ ना कुछ गुड पार्ट है, कुछ ना कुछ ग्रे पार्ट है. बैड तो होता ही नहीं किसी में. तो जब तुम गुड लेने की कोशिश, गुड इस बेसिस पे जब तुम डिसीजन लोगे, तो तुम्हें लगेगा यार ज्योग्राफी एक बड़ा पोर्शन जीएस में आता है. ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा कनेक्शन है इकोनॉमी से. ज्योग्राफी जिसकी क्लियर है उसको आईआर में तो इतने नंबर मिलेंगे. आईआर है क्या, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. भाई हमें सबसे ज्यादा दोस्ती तो गल्फ कंट्रियों से रखनी है ना. अगर हम आज की डेट में गल्फ कंट्रियों से दुश्मनी कर लें तो इस देश में तो अंधेरा फैल जाएगा. लेकिन फिर अगर तुम दूसरी तरफ आ जाओ, मॉडर्न वर्ल्ड पूरा सोशियोलॉजी पे खड़ा है. एक एसे का पोर्शन तुम्हें यहां से मिल सकता है, सोशल इश्यूज का पोर्शन ज्योग्राफी जीएस में है. फंस गए ना. इसलिए जब भी डिसीजन लो, उस इसी को कबीर ने बड़े प्यार से समझाया, बहुत प्यार से. कबीर ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचानक हुए. सबके साथ यही हाल है. इस लेवल पे तुम जब भी डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, तुम डिसीजन ले ही नहीं पाओगे. पॉसिबिलिटी नहीं है. तुम देखो तुम्हारी चॉइस क्या है. तुम्हें सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात. अब तुम्हें काम करो, दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें इक्वल मेहनत करनी है. ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट तुम ले लोगे तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सब में चॉइस अगर है, जहां इंटरेस्ट पैदा हो जाता है वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट एक एडिशनल फैक्टर है किसी सब्जेक्ट को चुनने में. जैसे अगर मुझे 5 किताबें रख दी जाए मेरे सामने, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक इकोनॉमी की, एक हिस्ट्री की, एक सोशियोलॉजी की, तो सबसे ज्यादा देर तक मैं जो पढ़ूंगा वो हिस्ट्री की किताब पढ़ूंगा. तो अगर मुझे पहले पिकअप करना होगा तो मैं कौन सी किताब पिकअप करूंगा, हिस्ट्री की. तो जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, बस वो एक एडिशनल फैक्टर तुमको ये दे देगा कि उस सब्जेक्ट को तुम ज्यादा पढ़ोगे. पहला पॉइंट हो गया, जो तुमसे रिलेटेड है, इसके अच्छेपन से रिलेटेड नहीं है, वो तुमसे रिलेटेड है. दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अब अच्छा तो है, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन उस सब्जेक्ट का जो लूप होल है कि इसको पढ़ना कैसे है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो तुम इसमें एक अच्छा सा टीचर देख लो. तो पहला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट, और दूसरा पॉइंट हो गया टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. ये क्या करेगा टीचर, ये तुम्हारे 50% जो मेहनत है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी 1922-1947, ये डायग्राम बना लेना. 1922-48 में उनकी डेथ हो गई, तो 48 क्या कंट्रीब्यूशन है गांधी जी की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्यों इतना बड़ा नाम दिया जाता है उन्हें. बाहर जाओगे तो लोग बहुत गाली देते हैं गांधी को, इंडियन पब्लिक है तो बहुत सारे लोग उनको बहुत गाली देते हैं, अरे भैया बहुत बदतमीज आदमी थे. इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत जज बनती है, जज. यहां हर आदमी जज है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है. तुम्हारे काम का है कि नहीं. अनअकैडमी मेरे काम की हो गई, मैं अनअकैडमी के साथ. अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं. दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई. आर इज इक्वल टू आई. रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट. चाइना से कितना मतभेद होता है हमारा, कितना डिस्प्यूट होता है हमारा, लेकिन क्या हम चाइना से अपने सारा ट्रेड बंद कर सकते हैं? आज बंद कर दो चाइना से सारा ट्रेड, कल इंडिया में सिविल वॉर हो जाए. वो तुम्हारे चौराहों पे जो स्प्रे करके ग्लास
कारों का शीशा साफ करते हैं ना बच्चे, 100-100 रुपए में जो बेचते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। आज बंद कर दो पूरा ट्रेड चाइना से, आज देखो उसने अपनी यूटिलिटी पैदा कर रखी है। तो भले उसने शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया 1914 और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, लेकिन तुम उससे दुश्मनी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूजफुल है। यही तो है। तुम आज पाकिस्तान से कितना भी झगड़ा कर लो, दरवाजे बंद हैं, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? यूजफुल नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा बदतमीजी चाइना करता है इंडिया के साथ, ज्यादा। शिमला एग्रीमेंट 1914, तिब्बत बिल भी द बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वायलेट किया, तिब्बत पे कब्जा किया। अभी एलएसी पे देखो रेगुलर टेंशन चलती है, रेगुलर। डोकलम में दिक्कत पैदा की, कश्मीर को स्टेबल वीजा देना शुरू किया। क्या नहीं करता चाइना? जहां भी इंडिया खड़ा होने की कोशिश करेगा, इंडिया के खिलाफ आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाइना से अपना बॉर्डर नहीं बंद करते। क्यों? यूजफुल है। हम बोइंग नहीं बना सकते, खिलौना तो बना सकते हैं ना। तुम जाओ मार्केट में, सारे खिलौने मेड इन चाइना है, टॉय मार्केट पे उसका कब्जा है, बाकी तो मार्केट छोड़ ही दो। ये होती है यूटिलिटी। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। अगर तुम सोचते हो तो ये तैयारी छोड़ देना, ना कर पाओगे। तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है, है ही नहीं। और अननेसेसरी किसी से दुश्मनी करोगे, वो तुम्हारे दिमाग में आके बैठ जाएगा, वो तुम्हारा ये चक्रा जो है इसको ब्लॉक कर देगा, वो तुम्हें सोचने नहीं देगा। अमेरिका को कोई दुश्मन है? अमेरिका कोई दोस्त है? अमेरिका इज कंप्लीटली अ कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिज्म की गोद में पैदा हुआ अमेरिका, उसकी मां कैपिटलिज्म, उसका बाप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1757 में दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैदा हुआ। नो इसलिए इस कंट्री की जो इथिक्स है वो ईस्ट की इथिक्स से बिल्कुल अलग है। यहां पर ईस्ट में प्रोस्टिट्यूशन पाप है आज भी, भले लोग रेगुलर बैंकॉक जाएं, थाईलैंड जाएं, वो अलग बात कि वहां वो ध्यान करने जाते हैं, बुद्धिस्ट पगोड़ा है। लेकिन यहां पे वो पाप नहीं है। कैपिटलिज्म बेट का बेटा है, कहता जो भी बिकता हो सब बेच डालो, जो कुछ बिकता हो, जो कुछ। बोले साहब ये लड़का लड़के से शादी करेगा, करने दे, टैक्स ले ले $5,000 दे रहा है, हाँ कर ले, चार बार और कर ले, 5,000 दे, खत्म। उससे मतलब ही नहीं साहब, वो लड़की लड़की से शादी कर रहे, अच्छा कर ले। साहब ये 4-5 लोग मिलके शादी करना चाहते हैं, हाँ कर ले, $5,000 ले ले। हाँ इसलिए जब ईस्ट का आदमी यहां आता है ना और यहां की सोसाइटी में पहली बार एंटर करता है और लास वेगास जाता है, बेहोश हो जाता है। अरे मम्मी क्या हो गया? अब वहां उसको कुछ और ही पढ़ाया गया है, यहां का कल्चर, यहां का सोसाइटी, यहां की मोरालिटी, यहां की एथिक्स। अभी वो लैंड करता है यूएस में तो एक बार तो उसे डाउट हो जाता है कि धरती पे है यार। ऐसा कुछ नहीं है, ये कंट्री है कैपिटलिज्म की, ये कंट्री है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और आज जो पूरी दुनिया में खेल चल रहा है वो इन चार लोगों के बीच चल रहा है। एक एप्पल, एप्पल को चैलेंज किसने कर रखा? वन प्लस ने। इस एप्पल और वन प्लस के सामने एक आदमी खड़े होने की कोशिश कर रहा है, एप्पल वन प्लस लावा। एक चौथी कंट्री है, उसने इस फील्ड में कुछ किया ही नहीं, वो लावा बॉम्ब बनाती है। कहती तुम लोग तो बना ही रहे हो,
हम उसी में बॉम्ब लगा के द ब्लास्ट करा देंगे पाकिस्तान। यही तो है आज कंपटीशन, इन्हीं के बीच तो चल रहा है आज सारा खेल, इन्हीं के बीच का तो है। तो अब इस तैयारी का जो मतलब है प्रिपरेशन, बिना पढ़े तो तुम दे ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए जितने लोग प्रिपरेशन करने आते हैं आईएएस की और सिर्फ पढ़ने पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब 15 आवर्स पर डे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो धीरे जबान में 16 भी बोल देते हैं। अब अगर टॉपर हैं तब तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। जो आईएएस का टॉपर कह दिया कि आई यूज्ड टू स्टडी 19 आवर्स, तो तुम भले ही सर झुका के कुछ उल्टा सीधा बोल लो, लेकिन उस वक्त मान लोगे कि पढ़ता होगा। जी सर, टॉपर्स तो कुछ भी बोल दे कि हम अपने कमरे में पंखे पे लटक जाते थे, फिर बुक पढ़ते थे और उससे कंसंट्रेशन बढ़ता था, तो वो तो कुछ भी बोल दे, वो तो दूसरी लाइन का ऑफ पुस्तक चले गए। 15 घंटे जो लोग पढ़ते हैं ये बड़ी मुसीबत में रहते हैं, बहुत 15 घंटे ऑन चेयर। अब ये मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब जो आदमी 15 घंटे चेयर पे बैठा है वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 10 घंटे पर्सनल लाइफ को तो चाहिए ही चाहिए, उस 10 में से तुमने एक काट लिया तभी तो 15 हुआ भाई। 24 में से 10 तुम्हें पर्सनल, उसमें से 7 तो सोने के लिए चाहिए, वो तो तुम काट ही नहीं सकते, नहीं तो आगरा किसी हॉस्पिटल में बैठे मिलोगे। 24 घंटे हैं, 24 में तुम 15 घंटे चेयर पे बैठते हो तो तुम सोचो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत के बाद अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। डिप्रेशन उनको नहीं होता जो मेहनत नहीं करते, वो मस्त रहते कि नहीं नहीं भैया वो पंडित जी कुंडली देखे थे तो बोले थे तुम्हारा राहु ठीक नहीं है, ये सब इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, क्योंकि समाज क्या मानता है, रिजल्ट, वो तुम्हारे मेहनत मेहनत को नहीं देखता, तुम 15 पढ़ते थे 16 पढ़ते थे तुम क्या कर, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन इसमें एक लड़का ऐसा, ये ए, बी क्या करता है, ये 7 घंटे चेयर पे बैठता है, 7, और 6 घंटे ये डाइजेशन को देता है एवरी डे, सोचना, मनन करना, विचार करना, एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये इस 15 वाले से कितने घंटे कम पढ़ रहा है, 7 और 6, 13, 2 घंटे कम पढ़ रहा है, लेकिन इसका सिलेक्शन होगा, ये बी का सिलेक्शन होगा, और ये देखने में क्या लगेगा कि ये कम पढ़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया अरे हम जानते हैं ये जो 7th रैंक आई है जिसकी, मेरा ही रूम पार्टनर था, 5-6 घंटे बैठ के पढ़ता था। तो तुमने उसका बैठने वाली टाइमिंग देखी, वो जो सोचने वाली टाइमिंग है, प्रिपरेशन एकदम डिफरेंट वर्ड है, एकदम डिफरेंट। मैंने कहा ना 1920 से 1948 गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत की आजादी में उनको सबसे इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। एनीवन इन दिस क्लास, कैसे इंटरेक्शन करो, बोलो जरूर, शांति से मत बैठो कि प्रवचन सुनने आए। यस यस, आराम से बैठो, बहुत
इधर से कौन बोले? हाँ चलो खड़े हो जाओ। ये तो तुम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, ये तो तुम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, कहीं पढ़े वढ़े हो कायदे से? इन कैश किया। देखो एक मिनट, पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इंडिया में? 1866 पहली पार्टी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी ने। कहां बनाई? लंदन में। लेकिन अगर तुम 1866 का इंडिया देखो गौर से सुनना कि पढ़ना प्रिपरेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रिपरेशन? अरे यार, का इंडिया 90% इलिटरेट, 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड देर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया। कुछ इंडिया जैसा है नहीं है, हाई नहीं, देर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, इंडिया जैसा कुछ हाई नहीं। अब देखो बैकग्राउंड देखो और फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को देखो। अब सोचो तुम कि इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं, 90% लोग इलिटरेट हैं और 90% लोग पावर्टी से सफर कर रहे हैं, तो उनकी इमीडिएट जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा। उनसे अगर तुम जाके आजादी की बात करोगे मारेंगे तुमको। तो ये पार्टी कहां बनी? लंदन में। देखो इंडिया में नहीं बनी, बनी नहीं सकती थी। कनेक्ट करो दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करो। इस बैकग्राउंड में क्या इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनना संभव था? नहीं संभव था। तो पार्टी कहां बनी? लंदन में। अब लंदन में बनाने से दादा भाई को क्या फायदा हुआ? वहां चुनाव लड़ा उन्होंने लेबर पार्टी की टिकट से, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गए। क्यों? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने कि साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, साहब हम आपके सब्जेक्ट हैं साहब। 1858 के एक्ट के बाद यही तो है मॉडर्न इंडिया। 1757 टू 1857 कौन है रूलर इंडिया का? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 टू 1947 अब कौन है? क्राउन। यहां पे जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि सॉरी हम कुछ कर ही नहीं सकते। राजा ने कहा क्यों? बोले यार तुम्हारा देश हमारी कब्जे में थोड़ी है, वी आर नॉट रूलिंग योर कंट्री, योर कंट्री इज रूल्ड बाय अ कंपनी, हम क्या करें? राजा राम मोहन रॉय ने कहा साहब है तो आप ही के यहां की कंपनी। हाँ बोले यार वो तो है बट वी डोंट इंटरफेयर। हालांकि ये कहना गलत था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो इन्होंने ही बनाया था। लेकिन जब यहां दादा भाई नौरोजी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो हु इज रूलिंग द कंट्री? क्राउन। अब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब देखो चेंज क्या पैदा हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो पैदा हो रही है आफ्टर दिस, उसका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। ये किस ईयर में बन रही है? 1876 में। इसको कौन बना रहा है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। बैकग्राउंड अब भी वही है, बैकग्राउंड अब भी यही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, 90% इलिटरेसी, 90% पॉवर्टी। अब यहां पे क्वेश्चन खड़ा हो गया कि फिर ये पार्टी कैसे बन गई? अगर बैकग्राउंड सेम है, सेम बैकग्राउंड में कोई फर्क ही नहीं है, बैकग्राउंड वही है, तो
तो मास्टर जब बैकग्राउंड वही है तब ये पार्टी कैसे बन गई? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना? यही तो सेइंग है, हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? नेसेसिटी। तो यहां कोई तो नेसेसिटी पैदा हुई होगी। कौन सी पैदा हुई? आजादी। आज तक लोगों को नहीं पता इस देश में आजादी क्या है। आज नहीं पता, आज 2023 डेमोक्रेसी बोलो लोगों को कि डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि कुछ बता रहा है ये भैया, कुछ कह रहा है। और तुम कह दो दलित इज इन ट्रबल, सब खड़े। मुसलमान इज इन ट्रबल, और ब्राह्मण इज इन ट्रबल, तलवार। अरे यही तो हो रहा है। तुम बाहर जाके बोलो डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, ये लगता है कोई बाहर से आया है। अतीक अहमद को मरे कितना दिन हो गया, लेकिन देखो सारे चैनलों ने उसको जिंदा रखा है। साइस्ता पकड़ी गई कहां, सब बैठे देख रहे 4000 लोग। यूट्यूब पे जाओ तुम, वो आदमी कब का मर गया, शूट आउट हो गया, मर गया। गुड्डू मुस्लिम दिखा सन्यासी के भेष में। अरे तुम यूट्यूब खोल के देखो, ये देखो इंडियन चैनल्स। अब उनकी भी गलती नहीं है, 1,50,00,000,000 लोग जिसमें 90 करोड़ बस खाली बैठे। मजा नहीं आ रहा यार, किसी की लड़की नहीं भाग रही है। मैं भी बाहर गया था तो लोगों ने कहा कि योर लीडर्स आर नॉट गुड। अरे मैंने कहा माय लीडर्स आर वेरी गुड, हु सेज माय लीडर्स आर नॉट गुड? हमारे देश के नेता ही तो अच्छे हैं। अरे बोले कैसी बातें कर रहा हूं मैं, कैसी? हु इज द रियल बॉस ऑफ दिस कंट्री? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, हमने भेजा है। इस देश का पब्लिक बदतमीज है, इस देश की पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं। जिसको तुमने भेजा वही तो बेचारे वहां बैठे हैं, वो क्या करें? तुम भेज के कहते हो भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ हो तुम, तुमको कौन बेवकूफ बनाएगा? बेवकूफ उसको बनाया जाता है जो थोड़ा सा मैच्योर हो, जो सिगरेट मुंह में उल्टी डाल के सड़क पे चला जा रहा है धुआं छोड़ते हुए, उसको पता ही नहीं पीनी है कि धुआं फेंकना है क्या करना है। अब देखो यहां पे जब तुमने ये बात पढ़ी, ये डेवलपमेंट तुमने पढ़ा, किताब खोली, तुमने ये चीज उठाया, तो तुम्हें यहां क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जीवन में, चाबी की तरह है, दिमाग को खोलता है ये। अभी तक तुम क्या करते थे, बुक्स में अंडरलाइन करते थे, बंद कर दो। अब जिस लाइन को पढ़ो अगर तुम्हें वो ना समझ में आए वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो। जब तुम बुक को अंडरलाइन करते हो, दोबारा पढ़ते हो, तो तुम्हें फील होता है कि तुम एक बार पढ़ चुके हो। लेकिन जब तुम क्वेश्चन मार्क लगाओगे और दोबारा पढ़ोगे तो जो लाइनें तुम्हारी क्लियर नहीं होंगी वो तुम्हें हॉन्ट करेंगी कि यार ये कैसे हुआ था, यार ये क्यों हुआ था। अब देखो तुम्हारे सामने कितना बड़ा केस है, ये कैसे हो गया, ये इंडियन एसोसिएशन कैसे पैदा हो गई, किसने पैसा फंड कर दिया, किसकी जरूरत पड़ गई? क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो किसकी जरूरत पड़ गई कि ये पैदा हो गया? किसी की तो पड़ी होगी ना, किसी की जरूरत तो पड़ी होगी। देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फाइनेंस, बिना पैसे के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, देयर विल बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फाइनेंस। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ट्राई करो यार, कोई बात नहीं, इतना टेंशन क्यों लेके बैठे हो, स्ट्रेस छोड़ दो जिंदगी में, क्योंकि तो सब मोह माया है। जिंदगी में स्ट्रेस छोड़ दो, प्रेशर छोड़ दो। हम अभी आ रहे थे तो हमसे लोगों ने कहा कि यार जो है मैं अभी देहरादून से आ रहा हूं सुबह सुबह, वहां बहुत ठंडक पड़ रही है मसूरी में दिसंबर जैसे। बोले एन एकेडमी जा रहे हो? हाँ। क्यों?
इस देश में सबसे ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं और इस देश में सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं उन्हीं अच्छे लोगों से। सबसे ज्यादा इसी देश में लोग कहते हैं भैया हमें झूठे लोग पसंद नहीं है, हम भैया कभी झूठ नहीं बोलते। तब जिंदा क्यों हो, बोलो। सच बोलना कोई आर्ट ही नहीं है, सूरज चमकता है इट्स अ ट्रुथ, उसमें कौन सा आर्ट है। सूरज अवधोजा की मंत्र शक्ति से चमकता है, इसको अगर तुम सिद्ध कर ले जाओ और लोग आके तुम्हारा पैर पकड़े कि भैया आप मंत्र मत बंद करो, सच बोलना कोई टैलेंट ही नहीं है, वो तक फ्लो है, आप बोल दिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं अगर इसको माने होते कभी नहीं पहुंचते। ये कभी नहीं पहुंचते, कभी नहीं, कभी पहुंचते ही नहीं। अभी तुम आईएएस का इंटरव्यू देने जाओगे अगले साल, तुमसे पूछेगा कि व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू दिस सर्विस, फिर तुम बोलोगे सर आई लव चैलेंजेस सर, इट्स अ जॉब विद मल्टीपल चैलेंजेस एंड यू हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पीपल, फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएगा, झूठ बोल रहे हो। फिर तुम भी उसको देख के मुस्कुराओगे, सही पकड़ रहे हो सर। और फिर तुम्हें इतना नंबर मिलेगा इंटरव्यू में। इंटरेक्शन विदाउट वर्ड्स इज द बेस्ट इंटरेक्शन इन द वर्ल्ड, जहां आपको सामने वाले से कुछ बोलना ही ना पड़े और इंटरेक्शन हो जाए, जहां तुम ज्यादा बोलो। कुछ लड़के आते नहीं, कहते भैया मैं तो 40 मिनट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। कौन बोला था, कौन बोला एक्सप्लेन करने के लिए। उनको एक मैच्योर माइंड चाहिए, मैच्योर, कि बस इशारा किया और वो समझ गया कोरोना फैल रहा है, स्टिल कोरोना राइजिंग। तुम सर्वेंट किसके बनने जा रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट में है कौन, इंडियन लीडर्स। लीडर्स कल तुम पॉलिसी मेकर्स हो जाओगे, फिर उनको अगर तुमने कह दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तुमको एसपी डॉग स्क्वाड बना देंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऐसा रविश कुमार जी कहते हैं, मैं ये सब नहीं कहता हूं। मैं तो कौन बताएगा ये पार्टी क्यों पैदा हुई, कहां से पैसा आया और कहां से सपोर्ट मिला। बस ये चीज डेवलप करनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। अब तुम्हें इस ईयर पे जाना है, दिस इज द रेलेवेंसी ऑफ ईयर्स इन हिस्ट्री। लोग कहते हैं ना हिस्ट्री में ईयर का क्या रोल है, अब देखो हिस्ट्री में ईयर का क्या रोल है, क्यों हिस्ट्री में ईयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या है ईयर्स। 1876 अब इस ईयर के आसपास कुछ ऐसा घट रहा होगा जहां से नेसेसिटी पैदा हुई होगी। 57 तो बहुत पहले हो गया, 1876। अब ये जो चीज है ना जो 95% स्टूडेंट इस कंट्री में मिस करते हैं, इसलिए उनकी तैयारी में वो मेहनत बहुत करते हैं। यही तो सबसे बड़ी मजेदार बात है कि इस कंट्री का जो लड़का है वो पहले 2 साल तो इतनी जबरदस्त तैयारी करता है, मेहनत तैयारी करता कि नहीं, लेकिन मेहनत बहुत करता है। और जब उसको मेहनत के बाद इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता तो फेलियर आती है, और फेलियर आएगी तो घर से लेके समाज में हर आदमी तुम पे उंगली उठाएगा, वो उठाना ही है। और हर आदमी की हिम्मत नहीं है कि ट्रॉलिंग को बर्दाश्त कर ले जाए।
एप्रिसिएशन बर्दाश्त करना बड़ी बात नहीं है, वो तो मजा है। ट्रॉलिंग, जब तुम 15 घंटे बैठ के पढ़े हो, तुमसे कोई कह दे कि अरे मैं देखता था सीपी में दिन भर बैठे लड़की लिए, हमने देखा है। अब तुम क्या बोलोगे अगले आदमी को? और एक बोलेगा, दो लोग सपोर्ट करेंगे कि हम भी थे उस बार जब लाल टी शर्ट पहने थे। तुम कहोगे लाल हमने कभी टी शर्ट ही नहीं ली। अब ये जो चीज है, 1876 लिटन का टाइम पीरियड है, और किसी भी पार्टी के लिए मास सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, वरना वो पार्टी चलेगी ही नहीं। मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मास सपोर्ट। यानी यहां पे कुछ ऐसा हुआ कि एक सेक्शन सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया। क्या हुआ? रिडक्शन इन द एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लिटन एज लिमिट रिड्यूस की ना, उससे किसके इंटरेस्ट पे अटैक हुआ? एजुकेटेड मिडिल क्लास के। तो वो एजुकेटेड मिडिल क्लास अब सरकार के खिलाफ खड़े होने की स्थिति में है। मास सपोर्ट मिल गया, मास सपोर्ट मिल गया। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द बर्थ ऑफ अ पार्टी? फाइनेंस एंड मास सपोर्ट, दो ही चीज तो चाहिए। एक पैसा चाहिए, एक मास सपोर्ट चाहिए। मास सपोर्ट मिल गया, ये रिडक्शन इन द एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विसेज। किसका इंटरेस्ट हम हुआ? एजुकेटेड मिडिल क्लास का। वो सीधे खड़ा हो जाएगा कि हाँ भैया हमारे साथ गलत हो रहा है, 19 साल में कौन सा लड़का आईएएस देगा, वो भी 1870s के एज में। पैसा कहां से आ रहा है? लिटन रिड्यूसेस इंपोर्ट ड्यूटी टू द मिनिमम लेवल। लिटन रिड्यूसेस इंपोर्ट ड्यूटी टू द मिनिमम लेवल। 1850s इज अ टाइम पीरियड फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1850s इज अ बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई, इंडियन इंडस्ट्रीज पैदा हो रही हैं। उन इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर रही है। क्या होगा? इंडियन मार्केट विल बी फ्लडेड विद फॉरेन गुड्स, एंड दैट विल बी अटैक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये फाइनेंसर हो गए, ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंसर हो गए, और ये दे दिया इन्होंने मास सपोर्ट। यहीं पे पैदा हो गई इंडियन एसोसिएशन। बात समझ में आई? ये मिसिंग है तुम्हारी पढ़ाई में। तुम कितना भी पढ़ो, कितना भी अगर तुम्हारा पढ़ना और के साथ सोचना गायब है, मतलब तुम उस सोच को इवॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन इज नॉट स्टडीइंग। एक सिंपल लाइन ये है कि प्रिपरेशन इज नॉट स्टडीइंग, देन व्हाट इज प्रिपरेशन? क्योंकि अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो प्रिपरेशन तो तुमसे होगी ही नहीं। वो तो मैंडेटरी है पढ़ना, तो प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस। नॉट क्लियर? नहीं, बात क्लियर हुई? ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये तुम्हें डेवलप कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, 1885 में पहुंचे, अब यहां बन गई कांग्रेस। अब इस जो एवोल्यूशन है, ये जो एवोल्यूशन है, अब तुमसे जब वो क्लास 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा, तो तुमसे पूछेगा कि द पॉलिसीज ऑफ लिटन वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन एसोसिएशन, एक्सप्लेन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आंसर लिखा हुआ, तुम लिख दोगे। यूपीएससी तुमसे सिविल सर्विस कैसे क्वेश्चन पूछेगी कि द बर्थ ऑफ INC वॉज द आउटकम ऑफ रेगुलर इवेंट्स आफ्टर 1858। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन में कितना फर्क है। अब तुम देखो, एक क्वेश्चन तुमसे उसने पूछा कि द पॉलिसीज ऑफ लिटन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन एसोसिएशन, एक्सप्लेन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, सीधा क्वेश्चन है, कुछ सोचना ही नहीं। इसको बोलते हैं स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन।
इसीलिए तो स्कूल में हमारी टीचर क्या कहती थी कि रट लो, पढ़ना ही नहीं। और ह्यूमैनिटीज के साथ जितनी बदतमीजी इस कंट्री में हुई है, आज जितना ये परेशानी इस देश को झेलनी पड़ रही, वो इसीलिए झेलनी पड़ रही। इस देश ने हिस्ट्री कभी पढ़ाई ही नहीं। वो हमारी टीचर क्लास टेंथ में कहती थी कि हिस्ट्री से नौकरी थोड़ी मिलती है। ये बात सही थी, हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती। ये बात तो सही है, क्योंकि हिस्ट्री सारा खुराफात सिखाती है, बेईमानी। प्लासी का युद्ध कैसे जीता? बेईमानी से। तो जिसको प्लासी का युद्ध समझ में आ गया, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लड़ाई में ताकत की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? बेईमानी की। वो राजा बनेगा। ये बात वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जानता ही नहीं। वो बेचारा लाइन में खड़ा है कोरोना के टाइम पे, वो टीका लगवाने के लिए 500 की लाइन में खड़ा है। और वो जो ह्यूमैनिटीज पढ़ के लड़का गया है, वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा। ठीक है भाई डॉक्टर, निकाला रख दिया, जर्मन से मंगाए थे, कानपुर में जो हत्या हुई थी इसी पिस्टल से तो हुई थी। गुड्डू इसको भी लगाओ, हमको भी लगाओ। जी जी भैया लगा रहे। वो IITian इतना पढ़ने के बाद कह रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दिस कंट्री, आई डोंट नो व्हाट शिट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। फिर अगर उसको मौका मिल गया, वो फ्लाई कर गया अमेरिका, अपना बच्चा लिया, बच्चे का पीछे बाल किया, अपनी वाइफ लिया। कहाँ जा रहे हो? स्टेट्स। स्टेट्स स्टेट्स कहाँ है बे? यूनाइटेड स्टेट। अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हो, वहाँ रहते हो? कहाँ काम करते हो? गूगल में। ये मेरा लड़का तुम्हारा? जी जी। इंग्लिश बोले तो आई ऑलवेज स्पीकिंग, आई डोंट नो हिंदी। मेरे कई सारे फ्रेंड्स उधर रहते हैं, तो जब इंडिया आते हैं तो हमसे कहते हैं कि यार तुम सही कहते थे, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जीतोगे तभी जब तुम प्लासी को समझोगे। भाई पृथ्वीराज चौहान को कोई NCERT पढ़ाने वाला नहीं था, मोहम्मद गौरी जमीन पर पड़ा हुआ था, बस अलग करके देखना था, चेक करना था, हट गया। अब चलो तुम नहीं मार सकते, तुमने कहा हम राजपूत हैं, बहुत अच्छी बात, हम निहत्थे आदमी को नहीं मारेंगे, तो हमारे जैसे किसी से मरवा दिया होता। तुम नहीं मार सकते थे ना, हमसे कह देते कि पंडित काट दे जी। पर महाभारत में श्री कृष्ण की NCERT क्लियर है। वो कौन का पहिया फंसता है? वो उतरता है अपना पहिया निकालने के लिए, अर्जुन बैठ जाता है रथ पे पीछे, कृष्ण देखते पलट के, क्या वे कह रहे बना ले तब तक निकालेगा। बोले बेटा निकालेगा तब ना मार पाओगे, अभी मारो। तो अर्जुन कहते कि अच्छा नहीं लग रहा, मुजरा देखने अच्छा नहीं लग रहा, मार, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसको बोलते वॉर, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ये सब हंसने की बातें नहीं है, तुम्हें जिंदगी में अप्रोच ही तो सही करनी है। कुछ बिगड़ा थोड़ी तुम्हारी जिंदगी में। इस क्लास में मैक्सिमम उम्र किसी की होगी तो 25 साल होगी मैक्सिमम, चलो 26 हो सकती है, मान लो 30 भी है, मान लो तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ बिगड़ा ही नहीं। बस तुम एक बार अपनी अप्रोच को अमेंड कर लो, तुम देख लो यार मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं। देखो तुमने सोचा इस बात को, अब ये जब पार्टी बनी ऑल इंडिया पार्टी INC, तो कंडीशन फिर भी यही है। मजेदार बात ये, देखो कंडीशन फिर भी यही है, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया,
90% इलिटरेसी, 90% पॉवर्टी। अब इस बैकग्राउंड में गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, पहला कैरेक्टर कांग्रेस में, एंड ही स्पीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट बिकम सरप्राइज फॉर द पीपल। 1901 एडवर्ड लॉ बजट पेश करता है लेजिस्लेचर में, 60 करोड़ का बजट, प्रॉफिटेबल बजट, प्रॉफिटेबल। लेजिस्लेचर को ताली बजाना चाहिए था कि बजट प्रॉफिट में। एडवर्ड लॉ, फाइनेंस मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बजट पेश करता है एडवर्ड लॉ, कहता प्रॉफिट 7 करोड़ 1901। अब आज की डेट में अगर इंडियन गवर्नमेंट बजट पेश करे प्रॉफिट में तो गवर्नमेंट विल गेट द अप्लॉड कि यार बड़ी बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने पॉजिटिव बजट पेश किया। लेकिन उस पॉजिटिव बजट में गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले खड़े हो रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा क्यों? बोला दिस कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन और तुम बजट के प्रॉफिट का जश्न मना रहे हो, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं। कभी वो किताब पढ़ो तुम, आनंद मठ, तब तुम्हें पता चलेगा फेमाइन क्या होता था। आनंद मठ, कभी तुम्हें मौका मिले वो किताब पढ़ना, आनंद मठ। लोगों ने इंसान को मार कर खाया है और कभी कभी तो अपनी ही फैमिली मेंबर को मार के खाया है, क्योंकि सर्वाइवल का मुद्दा था, कुछ भी नहीं था भाई, पेड़ खा लिए, पौधे खा लिए, जो जानवर थे वो खा लिए, फिर भी इंसान के अंदर तो खुद को बचाना है ना लास्ट लिमिट तक किसी भी तरह। तो फिर गोखले ने अपोज किया, पर गोखले के पास मास सपोर्ट नहीं है, तो गोखले क्या कर रहे हैं, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। फिर तिलक आ गए, तिलक के पास मास सपोर्ट पैदा होना शुरू हुआ, और फिर तीसरा कैरेक्टर गांधी, और वो गांधी इस कंडीशन में जहां मास को बुलाना पॉसिबल नहीं था, वो ले आता है मास को, आओ द पाइड पाइपर। तब अंग्रेजों को आश्चर्य हुआ कि यार कैसे, यार तुम भी पढ़ रहे हो, कितने सारे लोग यहां बैठे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट रैंक आईएएस लाएगा, तो जो फर्स्ट रैंक लाएगा आईएएस में, दूसरे को क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं कि तुम तो यार हमारे साथ ही पढ़ते थे, कैसे ले आए? कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी गेम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझना होता है, इसकी डिमांड क्या है, ये चाहता क्या है, मैंने एंटर करते क्या कहा कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और ना मैंने आज तक पढ़ाया। हमने जिंदगी में अपने कभी भी सीखा ही नहीं, मैंने आइडियलिज्म है ही नहीं, और जो बातें मुझसे आइडियलिज्म करता है उससे उसी वक्त दुश्मनी हो जाती है, उसी मोमेंट पे। जैसे किसी ने मुझसे कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता तो भागो यहां से, हट जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुम झूठ नहीं बोलते, बोलो, और ऐसा बोलो कि पूरी दुनिया आके गिर जाए तुम्हारे कदमों पे। क्या हा, तुमने आसमान की तरफ देखा, कहा अरे भगवान नाच रहे, लोगों ने कहा हाँ भैया नाच रहे, तो 3000 लोग ताली बजा रहे तुम्हारे साथ। तुम अपने परिवार को कन्विंस करने में परेशान हो, कुछ लोगों ने पूरी दुनिया कन्विंस कर रखी है। देखो भारत को किस चीज की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इंडस्ट्री की, कहीं कोई बात हो रही है? कोई नहीं, कोई दुखी है? साहब अपना अपना पकड़ा दिया सबको, किसी को जातिवाद का रैटल पकड़ा दिया, ये ले क्या करे सर, बजा रहे सर। हिंदुओं को पकड़ा दिया कि तो हिंदू देखो मंदिर बना रहे, हाँ जी ले बजा। मुसलमानों को पकड़ा दिया, सब बजा रहे, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। तुम पब्लिक से जाके पूछो इंडिया में कि इंडस्ट्री चाहिए, नहीं नहीं भैया इंडस्ट्री बाद में बन जाएगी, हम कौन सा भूखे मर रहे हैं, सारे मंदिरों में लंगर चल रहा है वहां खा लेंगे।
तो मजेदार बात देखो, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है इस वक्त दुनिया में इंडिया के पास, सबसे ज्यादा। और उस यूथ को क्या चाहिए? इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, कहीं कोई मांग हो रही है? कितनी बड़ी बात है, मैं तो प्रणाम करता हूं इन सब लोगों को कि वाह दोस्त, टैलेंट है तुम्हारे अंदर, मस्त है यूथ। पहाड़ की सड़क के किनारे कुत्ता पकड़ के सेल्फी ले रही है, उसका अलग स्वैग चल रहा है, अलग ही मस्त है। तो प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्टडिंग, पहली बात। अभी तक तुम पढ़ते आए जीवन में, पढ़ना अभी भी पड़ेगा, लेकिन पढ़ना इज नॉट प्रिपरेशन, ये एवोल्यूशन, ये डेवलप करना कि यार सारी तुम, अब तुम गौर करो, ये डेवलप करना कौन सी प्रोसेस? स्टडिंग एंड थिंकिंग। प्रिपरेशन की डेफिनेशन है, स्टडिंग मतलब पढ़ना, प्रिपरेशन मींस समझ का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब तुमको SLR पता है, CRR पता है, सब पता है, अच्छी बात है, पर मेंस का क्वेश्चन कहां से बनेगा? 1950 की इंडियन इकॉनमी, 1991 की इकॉनमी, 2023 और 2047 का गोल। इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनना है ना, तो 47 का गोल है हमारे पास। तो अब 50 में कैसे, कहां थे हम 50 से हम 91 में कहां तक पहुंचे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और वो जो पहुंचे कैसे पहुंचे? फिर 91 से 2023 की जर्नी हमारी कैसी रही? उठापटक की जर्नी रही। और अब 23 के बाद 47 हमारा गोल है, इंडिया इंडस्ट्रियल पावर। अब हमें क्या क्या करना है? तो विदाउट बेसिक्स ऑफ इकॉनमी विल यू बी एबल टू क्रिएट दैट चार्ट? नो। विल यू बी एबल टू क्रिएट दैट चार्ट? नो। तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ किस चीज का विकास कर रहे हैं? समझ का। इसलिए जितने लोग तैयारी करने आते हैं, जितने भी टीचर, तो दुनिया में कोई बुरा नहीं, और ना दुनिया में कोई कोचिंग बुरी है। तुम किस आदमी से क्या ले पाते हो? 105 लोग द्रोणाचार्य के पास हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, 100 कौरव और 5 पांडव, और उसमें से एक ही आदमी क्वालिफाई करता है, अर्जुन। तो अब कमी द्रोणाचार्य की है? नहीं, कमी उन 104 लोगों की है जिनको डिसाइड नहीं है कि करना क्या है। युधिष्ठिर को बुलाता है द्रोणाचार्य, किधर आ, क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी आप दिख रहे हो। बोला भाग जाए यहां से, तो मैं दिख रहा हूं। नकुल को लगा कि गलत बोल गए, तो बोले गुरुजी पेड़ दिख रहा है, उसको भी भगा दिया। जब तुम्हारा देखो, तुम लोगों में से कितने लोगों जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो? अब बताओगे नहीं डर के मारे। बताओ यार, कुछ कोई नहीं कर रहा है? थोड़ा सा ज्यादा तगड़ा हाथ उठाओ ऐसे। अच्छा, अभी शुरू किए? 6 महीने नहीं हुए? 3 मंथ्स। यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज बताओ, यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं यूक्रेन क्या है। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसमें सबसे बड़ा रोल यूक्रेन का होगा। सबसे फेमस रिवर बताओ यूक्रेन की, रशिया रिवर,
जेलेंसकी किस पार्टी से है, उसकी पार्टी का क्या नाम है, जो लीडर है यूक्रेन का जेलेंसकी, उसकी पार्टी का क्या नाम है? देखो तुम्हारी निगाह अपने गोल पे नहीं है, यही तो है युधिष्ठिर। ये दूसरा पॉइंट, युधिष्ठिर वो कोई महाभारत वाला नहीं, यहां वो हारेगा जिसकी नजर अपने गोल पर नहीं है, उसको कोई नहीं जीता सकता। वो दिल्ली में कोचिंग करे, लंदन में करे, मार्स पे करे, कहीं भी करे, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि उसका नजर अपने गोल पर होनी ही चाहिए। चलो तुम्हें नहीं पता वॉर क्यों हो रहा है, पर यूक्रेन तो डेली न्यूज में है। हर दिन यूक्रेन न्यूज में, एवरी डे, एंड द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ यूक्रेन। अगर गलती से चाइना ने ताइवान पे हमला कर दिया जैसा कि पुतिन चाहते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है, देखो ये दूसरी बात है। आईएएस बनने के लिए सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर पर कमांड पैदा हो जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर मींस मिरर। डेमोक्रेसी में जो जान है डेमोक्रेसी की, वो है न्यूज़पेपर। इंडियन डेमोक्रेसी ट्रबल में क्यों है? क्योंकि इंडियन प्रेस वीक है। यहां का आदमी जो है वो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता है जब वो आईएएस की तैयारी करता है, जबकि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है उस कंट्री में न्यूज़पेपर कंपलसरी है। भाई तुम्हारे ये जो नौकर हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये तुम्हारे नौकर ही तो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं तुम्हारे, तुम्हारे टैक्स से सैलरी लेते हैं। तो ये जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब ये तुम्हारा कोई काम करेंगे तो तुम्हें बताएंगे ना, भाई तुमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसी काम के लिए भेजा, तो जब वो तुम्हें कोई काम वहां करेगा, तुम्हारा काम, तो तुमको ब्रीफ तो करेगा ना कि सर ये कर लिया, सर ऐसा कर लिया, सर वैसा कर लिया। तो जब पार्लियामेंट कोई काम करती है, पॉलिसी बनाती है, तो तुमको बताएगी, बिकॉज हु इज द किंग, द पीपल ऑफ इंडिया, तो किसके थ्रू बताएगी? प्रेस। और तुम्हारे जैसे लोग जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं, वो दो साल यही पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, पढ़ना ही नहीं, जला दो, बड़ा सा ग्लास लो, दूध डालो, मिलाओ, पी जाओ, तुम्हारे खून में बहेगा न्यूज़पेपर। तुमको पूछना चाहिए कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। बिना न्यूज़पेपर के डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स को तुम तक सारा ब्रीफ करने का रास्ता क्या है? न्यूज़पेपर। बजट आया, बजट आया। अब कितने लोगों ने तुम्हारे सामने इस देश में बजट पे चर्चा की? जितनी अधिक पे चर्चा चल रही है, इतनी चर्चा कहीं बजट पे हुई नहीं? हुई। पहली बार एग्रीकल्चर में दो नए डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन से बताओ? पहली बार एग्रीकल्चर में दो नए डेवलपमेंट्स हुए, दो बिल्कुल नए डेवलपमेंट्स। श्रीयन की बात नहीं कर रहे हैं। सोचो तुम अपनी कंडीशन देखो, बाहर को तो छोड़ दो, जाने दो। दो काम अगर कोई आदमी कर ले, एनसीईआरटी पर कब्जा और न्यूज़पेपर पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो। न्यूज़पेपर इज द मिरर ऑफ डेमोक्रेसी। आईआर में क्या हो रहा है, इकॉनमी में क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज। तो जितने लोगों की नजर नहीं है वो युधिष्ठिर है। अगर तुमको ये नहीं अभी पता है अभी कि यूक्रेन वॉर किस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, रशिया की किस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, तो तुम युधिष्ठिर हो। एक साल से ज्यादा हो गया। विच रशियन पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, अगर तुमको यह नहीं पता तो तुम्हारी हाल भाई युधिष्ठिर वाला है, भगाए जाओगे।
ये दूसरी बात। तुम दिन भर पढ़ो ना पढ़ो वो सब अलग बातें, पर गोल पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। सिर्फ न्यूज़पेपर डिस्कस कर लो यार। युधिष्ठिर कौन है जिसकी अपनी गोल पे नजर ही नहीं है? है ही नहीं। तो जिसका अपने गोल पे नजर नहीं है उसको तुम जबरदस्ती जिता दोगे? ये दूसरी बात। इस प्रिपरेशन में 90% लोग युधिष्ठिर की तरह काम करते हैं, उनका अपनी गोल पे नजर ही नहीं है। है ही नहीं। पहली बात, प्रिपरेशन मतलब वो पढ़ाई समझते हैं, पढ़ाई है ही नहीं, एवोल्यूशन है वो, ये है प्रिपरेशन, पर पढ़कर ही होती है, ये सच है। दूसरी चीज कि तुम्हें अपने गोल पे नजर रखनी ही पड़ेगी। कोचिंग की क्या रोल है, तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि कोचिंग का क्या रोल है, कोचिंग क्यों करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए, कहां तो तुम्हारी चॉइस है, पैसा तुम्हारा है, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वो सब सारी बातें, अगर कोचिंग का फायदा उठाना है तो इस फॉर्मूले को कोचिंग में लगा दो। और भाई साहब उसी साल अगर सिलेक्शन ना हो तो हमसे ले जाओ एक साल का खर्चा, पर टेस्ट लेंगे और फिर डबल देंगे अगर फेल कर गए तो। मतलब इसका मतलब क्या है, आज तुमको सर ने पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स क्लास में, 3 घंटे तुमको पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स, जब तुम घर जा रहे हो इसको डाइजेस्ट कर लो। अब वो डाइजेस्ट करने का तरीका क्या है, पहला तरीका लिखना, टू राइट। तुम बिना पढ़े, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और कम से कम मिनिमम 5 बार वो पूरा क्लास के मैटर को लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, बस मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। 10 बार अगर एक टॉपिक तुम लिख डालोगे, पहले मैडम क्या करती थी, जब पनिशमेंट देती थी कहती थी 100 टाइम्स लिख के लाओ, इसीलिए कहती थी कि 100 बार लिखने का मतलब इम्प्रिंट, अब बाहर नहीं जाएगा। दूसरा भी एक तरीका है बहुत प्यारा, पर तुम में से बहुत सारे लोग करोगे नहीं, और वो तरीका है कि जब तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई ना, किसी को समझा दो, पर तुम वो करोगे नहीं, तुम्हारे मन में एक डर है कि सामने वाला हो जाएगा आईएएस। दुनिया में धन बांटने से कम होता है लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तो तरीका है, 4 आदमी ग्रुप बना लो और पूरे न्यूज़पेपर को डिवाइड कर लो, IR, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सोशल इश्यूज, डिवाइड कर लो और 4 आदमी पर डे नोट्स बनाओ अपने अपने पार्ट का और डिस्कस करो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। तुम देखो 1 घंटे में तुम्हारा न्यूज़पेपर तैयार होगा और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डेवलप होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का अप्रोच। पहली बात लिखो, और करना ही क्या है, ये इतना सही समय मई, मई से लेके मार्च तक, ये पूरा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला तुमने छोड़ा अब छूटेगा कैसे, छूटता क्यों है? एक्चुअली जिस मास में तुम रहते हो सबकी मेंटल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होती। महत्वाकांक्षा जो है ना, एम्बिशन इज अ गेम ऑफ स्ट्रांग माइंड्स, इसलिए तुम जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सब तो जीतेंगे नहीं, वो तो वो है ही नहीं, वो तो किंग अरिस्टोक्रेसी में इज 2%,
और इंडिया में जितना परसेंटेज पे ध्यान देते हैं पर्सनालिटी पे देते ही नहीं। और जिंदगी में मैंने कहा काम क्या आती, पर्सनालिटी। अब तुम्हारा मन स्ट्रांग है, तुमको 10 घंटा पढ़ना है, पढ़ रहे हो, और नहीं है तो 15 मिनट में उठा देगा तुमको। अब तुम राजेंद्र नगर मार्केट में पहुंचे और तुमसे किसी ने पूछा ऑप्शनल, तुमने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये बबलू का तो 4 अटेम्प्ट, ज्योग्राफी वेरी बैड सब्जेक्ट। तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा उसकी राजेंद्र नगर में बुराई होगी। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। यहां कुछ मध्यशियाई टहलते हैं, सेंट्रल एशियंस, उनको एक समय के बाद पता चल जाता है कि हमारा तो नहीं होगा, तो उनको लगता है कि हम अकेले क्यों जाएं। जब कोरोना फैल रहा था तो जब एक को हो रहा था तो दूसरे का वो वेट कर रहा था कि कम से कम कंपनी तो मिलेगी। जब आदमी बर्बाद होते थे, जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, फोन करेगा, भाई कहाँ है? नोएडा में। अरे यार चाचा आए थे श्रीनगर से 2 बॉटल लेके, और तुमने कह दिया कि अरे मैं तो आ जाता लेकिन कैब का पैसा नहीं। अरे मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा तेरा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता। इसलिए स्विमिंग जब तुम्हें सिखाई जाएगी तो उसमें एक तुम्हें लॉ सिखाया जाएगा कि जब भी कोई आदमी डूब रहा हो तो उसके करीब मत जाना, अगर तुम्हें बचाने का मन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो तुम बैठ के देखो डूबता कैसे आदमी और मरता कैसे। लेकिन मान लो तुम्हें बचाने का मन कर रहा है तो तुम तुरंत अपना कपड़ा निकालो और उसके तरफ फेंको। अगर वो उसे नहीं पकड़ रहा है इसका मतलब वो तुम्हें भी मारना चाहता है, फिर उसको खींच लो, कपड़ा पहन लो और किनारे बैठो और राधे राधे करो। यही तो हो रहा है यहां, सब आदमी एक दूसरे को डूबने से बचा रहे हैं। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, एक ही है। नॉट टॉकिंग तो उसमें कोई क्या कर सकता है, दूसरे से बात कर ले। यू डोंट अंडरस्टैंड इमोशन, भाग जाने तो इतना मारेंगे जूते से तुमको, गेट आउट फ्रॉम। यहां कुछ इमोशन नहीं होता। वो जाओ नीचे रिक्शा वाले से पूछो, किसी को कभी उसके साथ सेल्फी लेते हुए देखे हो? इंसान वो भी है, किसी का रिश्तेदार नहीं है। जब भी तुम्हें जीवन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए रिक्शे वाले को देखने आके खड़े हो गए, इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता। ये लाके तुम्हें छोड़ेगा कोचिंग के पास, तुम इसको थैंक यू नहीं। हम सब यही करते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी करोल बाग का DCP तुमको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दे, 40 बार थैंक यू बोलोगे। थैंक यू सर, सो ग्रेट ऑफ यू सर, यू गेव अस लिफ्ट सर, वेरी गुड सर। रिश्तेदार वो भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो 2-3 जगह चले जाना। एक तो रिक्शा वाले को देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, वहां अगर तुम सरवाइव कर गए 5 मिनट वो तो मुश्किल है थोड़ा सा, हो सकता है तुम्हें दौरा और आ जाए, 2 डेड बॉडी पड़ी है, किसी का सर कटा हुआ उधर लेटा हुआ है, वहां कोई देखने वाला ही नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आमतौर पर इतने कहां पे हैं एम्प्लॉयज, इतने सारे केसेस हो रहे हैं उतने लोग हैं नहीं। एक तो इमरजेंसी वार्ड चले जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और एक और जगह है, और वह है जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन का। और 3-4 ट्रेन का नाम मैं बता देता हूं, उसमें एक पुरुषोत्तम है। उसमें अगर तुम जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गए किसी तरह से, पहले तो इम्पॉसिबल है पर एक चुनौती है बैठना, अगर तुम बैठ गए और दिल्ली से सिर्फ अलीगढ़ तक चले गए जिंदा, उसमें 100 की सीटिंग होती है और 700-800 लोग होते हैं, और 3-4 हाथ होता है, 2 पैर होते हैं, उसमें से एक सर निकल रहा होता है, एक आदमी गुटखा खाया हुआ बगल वाले की जेब में थूक दिया उसने, बाहर जा ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है ना, बाहर कैसे निकलेगा। तो अगर तुम एंटर कर गए उसमें, पहले तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर गए
और तुम अलीगढ़ तक पहुंच गए तो तुम्हारा उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता। ये सब ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें, तुम जैसे मोटिवेशन ढूंढते हो ना, पहले आप तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि इनर फायर, वो तुम किसी से ले नहीं सकते, वो या तो तुम्हारे अंदर है या तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, जिससे तुम बहुत डरते हो। चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, इन सब की बेइज्जती ही तो हुई। बेइज्जती हुई तो एक जज्बा पैदा हो गया कि करेंगे। तो मोटिवेशन तुम किसी से बोरो नहीं, मोटिवेशन इज फॉर वर्किंग क्लास, लेबरर्स, मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं होता। किंग इज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। उसको तुम मोदी जी किसको सुनते रहोगे, तब तो 1970s में कुछ था ही नहीं, एक अंदर से आग थी। और भारत जैसे देश में दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनना फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन, मतलब उनकी इस अचीवमेंट पे मैं फिदा हूं। ही में फेल एज अ प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर, हो सकता आगे इतिहास लिखा जाए तो लिखा जाए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं सक्सीड कर पाए, पर एज अ इंडिविजुअल उनका कोई टक्कर नहीं। कितनी हिम्मत रही होगी। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, बाप के बाद बेटा, एंड पीपल एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि पीपल अपोज। तुम महाराष्ट्र देख लो, कश्मीर देख लो, तमिलनाडु देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, पंजाब देख लो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। यहां डेमोक्रेसी है लेकिन डायनेस्टिक है, फादर के बाद बेटा और बेटी। उस डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में एक आदमी कॉमन फैमिली से आता है, और उससे पहले कभी दिल्ली आया ही नहीं, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर रहा वो आदमी। लोगों ने कहा कि फेल, 2019 फिर बन गया। अब लोग कह रहे हैं आपकी बार 400 के पार। पता नहीं, इंडियन पब्लिक है वो तो कुछ भी कर सकती है, तो वो तो खैर उसकी चॉइस है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक जिसको वोट देना चाहे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी चॉइस है, किसी को भी देना चाहे, किसी को भी। कल दाऊद इब्राहिम को बुला ले कि वी वॉन्ट यू एज अ प्राइम मिनिस्टर, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही तो है डेमोक्रेसी कि भैया हमारी चॉइस है, हम चुनेंगे अपना नेता। ये तीन काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रिपरेशन इज नॉट स्टडींग, वो तो मैंडेटरी है, प्रिपरेशन इज एवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस। सेकंड, युधिष्ठिर मत बनो, 24 घंटे अपने गोल पे नजर रखो। और तीसरा, ये काम कर डालो, किसी की मत सुनो। तुम बाहर जाओगे तुमको लगेगा कि यार मैं कितना स्लो चल रहा हूं, चलोगे ही। अब इसका फायदा पता क्या है, इसका फायदा ये है, कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा, कि जो सिलेबस होता है 50% पे तुम टॉप करते हो, करते हो ना। 80-90% सिलेबस हर कोचिंग क्लास में तैयार कराती है, हर कोचिंग। तो 3 आवर्स के स्लैब में जब कोचिंग खत्म होगी जिस दिन, उस दिन तुम्हें कुछ भी पढ़ना नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन करना होगा। तीन घंटे क्लास, 3 घंटे होमवर्क, 6 घंटे हो गए, और 2 घंटे तुम न्यूज़पेपर को रख लो, 8 बहुत है, बहुत है, बहुत। ये दोनों पेट है। अगर तुम 4 रोटी खाते हो तो किसी दिन तुम उसको मैक्सिमम 8 कर सकते हो, 18 नहीं कर पाओगे। ऐसे अगर तुम अब तक 1 घंटे पढ़ते हुए आए हो और तुमने 1 घंटे से जंप लगा के 10 घंटा पढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ 10 दिन ही पढ़ पाओगे, उसके बाद खत्म। स्लो मूव करो। जैसे तुम ऐसे देखो, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। जब तुम पहले दिन वॉक करते हो तो तुम 2 किलोमीटर मैक्सिमम करोगे, बहुत अच्छी कंपनी साथ में चल रही तो 3 कर ले जाओगे, 4 कर ले जाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन ठीक 1 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे हो,
तो एनर्जी तो तुम्हारे अंदर थी, उसको तुमने ग्रो किया। और एक दिन में अगर तुम 20 किलोमीटर चल गए तो फिर 15 दिन आईसीयू में रहोगे। कुछ लोग की आदत होती है ना, वो पहले दिन सारा काम कर लेना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं तो बाबा रामदेव को सुन रहे थे, तो बाबा बता रहे थे कपालभाति इंक्रीजेस शाइनिंग एंड स्टेमिना पावर स्ट्रेंथ वाइटलिटी। उनको लगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है। पहले दिन कर लिए 2 घंटा कपालभाति, किडनी पलट गई। स्लो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तुमने बहुत चीजें जीवन में सीखी, साइकिलिंग सीखा, धीरे धीरे सीखा, जो भी तुमने सीखा सब धीरे धीरे सीखा। तो जब तुम यहां आए हो तो तेजी से सीख लोगे, नहीं कर पाओगे। वेट, थोड़ा सा रुको, घबराओ मत, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। मैं बैंगलोर में था, मेरे एक दोस्त गए यूवी मॉल में, बोले बर्बरी की शर्ट्स लेंगे। हमने कहा ले लो, कहे आप भी ले लो। हमने कहा हम तो नहीं लेंगे, हम तो यही पहनेंगे 2-3 हजार की। अरे बोले क्लास, 50,000 की एक शर्ट। हमने कहा तुम ले लो, तुम्हारी छीन लेंगे। हमेशा बदमाशी की बात करते हो, बदतमीजी। मैंने कहा नहीं, शक्ति की बात करते हैं। तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। 50,000 की शर्ट पहन के तुमको कोई पहचानता है? गांधी जी लंगोट पहन के लंदन चले गए, पूरा लंदन पीछे भाग रहा था, नंगा आदमी भैया हम भी देख लेंगे। ये सब बजाज टाटा वाटा जाते थे, कोई इनको देखने वाला नहीं होता। अच्छा वो लगा इंग्लिश बोलते हो अब उसको, मैं लॉस्ट डे, ये पूछने वाला नहीं था इनको। कद बढ़ाओ, कद। तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तुम सोचते हो मर्सिडीज खरीद लेंगे तो लोग हमको पहचानेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। इतना कद बढ़ा लो कि तुम जिसको फोन कर दो मर्सिडीज वाले को कि 2 भिजवा देना सुबह, जी भैया एक वाइट भिजवाना एक काली भिजवाना, जी 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 2 बीवियां हैं ना मेरी, हाँ हाँ सही है भैया, ठीक है भैया। तुम उल्टी सीधी चीजों में परेशान हो। तुम कद बढ़ाते चले जाओ, चीजें तुम्हारे पास अपने आप आती चली जाएंगी। इसीलिए इस देश में जो भगवान बने वो ऐसे ही बने, बस भगवान शंकर हैं, लॉर्ड शिवा अब जहर पी गए। यहां एक गिलास दूध दे दो ओरिजिनल गांव वाला, तुरंत डायरिया हो जाए। ताकत देखो उस आदमी की, सांप लटकाए हुए हैं। अब उनकी बीवी उनसे इंप्रेस नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? मैगी खा रहे हो। कोरोना जो है उसने किसको परेशान किया? मैगी पेशेंट को। मैगी मैं खाए, पर मैगी खाए, एलमंड का साबुन लगा रहे हैं, एलमंड का तेल लगा रहे हैं, एलमंड का क्रीम लगा रहे हैं और खा रहे हैं गुटखा। अब इनको अगर इनको कोरोना नहीं होगा, अरे इनको कोरोना नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? वो हो गया, कुछ अंदर है ही नहीं, ब्लड में बह रहा है, ब्लड में गुटखा ही तो बह रहा है। दिलबाग दिलबाग दिलबाग, वो रिपोर्ट आई ब्लड की, रिपोर्ट में लिखा है दिलबाग। बोले ये कौन सा ब्लड ग्रुप है भैया? तो आज से जो है मेरी अनअकैडमी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तुम्हें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे साइड से तो पूछ लो। हाँ ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इस पे प्रवचन देना बहुत आसान है।
इस क्वेश्चन को प्रवचन देना बहुत आसान है, इस पे बोलना बहुत आसान है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस, अब मुझसे एक लड़के ने कहा कि सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो दो कांड किए मैंने। एक कांड मैंने किया जब मैंने साइकिल यात्रा की लखनऊ से दिल्ली 2019 के आसपास, 19 या 20 में, एक अटेम्प्ट बढ़वाने की मांग की थी यूपीएससी में, साइकिल चलाया था लखनऊ से दिल्ली तक 700 किलोमीटर, 15 लोग मेरे साथ थे, 15, उस 15 में कोई भी आईएएस की तैयारी नहीं करता था। उसमें 4 गुजर थे दादरी से, गांव पड़ता चिथाड़ा, तो मैंने उनसे कहा भाई साइकिल चलाना, बोले चलाएंगे भैया। तो सोचे कहीं जाना होगा 10-20 किलोमीटर, हमने कहा दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली आना है, तो बोले कम है, कन्याकुमारी चलो भैया। और हमें ऐसे ही आदमी की तलाश थी। अरे मैंने कहा बस 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 हो गया काम, बाकी को तो घसीट लेंगे। तो फिर एक वो काम किया, दूसरा फिर मैंने एक कोर्स शुरू किया जो सुबह 5 बजे मैं पढ़ाता हूँ। अब सुबह 5 बजे क्लास लेने के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है, जो खुद से डिसिप्लिन है, 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया होगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है, डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है, देखो दो चीजें होती, एक प्रोफेशन एक जॉब, लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए, उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्डवर्क। लॉयर देखो, सारा काम लॉयर का पढ़ने पे टिका हुआ है। लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं, उसको मरते दम तक पढ़ना है, इसलिए हर आदमी लॉयर नहीं हो सकता। डॉक्टर वैसा ही प्रोफेशन है। तो तुम्हें अगर डिसिप्लिन में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, मैं इस मुद्दे को फिर किसी दिन डिस्कस करूंगा, तो तुम एक काम करो, ध्यान शुरू करो। ध्यान मतलब अपने मन को देखना, यही तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये आज मैंने इस मुद्दे को जानबूझ के छोड़ दिया था। ध्यान भारत की सबसे बड़ी चीज, तुमको घूमना हो तैयार है, पार्टी करना है तैयार है, तुम देखो कुछ चीज में हमेशा तैयार है। तुम इससे को पढ़ना है, कहेगा कल, मना नहीं करेगा, कहेगा कल, कल आज बारिश हो रही है। अब ये नहीं कहेगा कि बारिश हो रही तो आज 18 घंटा पढ़ेंगे, नहीं नहीं आज बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से चिकन बना लेगा 4 घंटा, बारिश होने पे दारू पी लेगा, पार्टी कर लेगा, कहेगा आओ बाहर राइडिंग कराएं, लेकिन बारिश होने पे ये नहीं कहेगा कि आज बारिश हो रही है आज 18 घंटा पढ़ेंगे। तुम देखो जितनी पॉजिटिव बातें तुम्हारी जिंदगी को बनाती है ना, उसको ये टालता है। योगा शुरू करना है कल, टुमारो इज द बेस्ट वेपन फॉर माइंड टू बी फूल ह्यूमन बींग। उस टुमारो से तुम्हें बचना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। एक फ्लाइट है देहरादून से दिल्ली के लिए, वो 8 बजे है सुबह, और देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो शहर से बहुत बाहर है, 50 किलोमीटर, 50। और मैं रुका हुआ था प्रेमनगर के आसपास, तो लोगों ने कहा कि साहब आ जाओगे? अरे मैंने कहा यार तुम टिकट करा दो, टेंशन मत लो, मुझे उठना है, मैं डिसाइड करूंगा, ये थोड़ी डिसाइड करेगा। तुम देखो अगर तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे फैसले ये डिसाइड करता है तभी तुम परेशान हो। तुम डिसाइड करो ना, तुम्हें कितने बजे उठा है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम डिसाइड करोगे, दूसरा क्यों डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है, ये तुम्हारी बात को काट देता है। और सपने बहुत बड़े बड़े दिखाता है, सपने तो तुमको ये इतने बड़े बड़े दिखाएगा कि ये कर डाले वो कर डाले,
जब करने का बारी आएगी फिर क्या कह रहे आईएएस बनना, कोई मोदी जी आईएएस थोड़ी हुए थे। पर इस मुद्दे पे मैं किसी, अच्छा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, तो किसी और दिन इस पे डिस्कस करेंगे, आज हम लोग का टाइम भी हो गया। नहीं तो एक काम करो ना, देखो कंसिस्टेंसी टूटने की दो वजह होती है। पहली वजह, जरूरत से ज्यादा इलास्टिसिटी। तुम बनाओ, बहुत अच्छी बात है, सुन लो इसको, सुबह उठो 2 घंटे का टारगेट बनाओ। तुम्हारा मन क्या कहा, 2 घंटा अभी खत्म हो जाएगा, हाँ होने दे खत्म। तुम्हारा मन पता क्या कहता है, कहता बड़े बड़े टारगेट बनाओ, मजा आना चाहिए सुन के। तो तुम तुम्हारा टारगेट कितना बनवाएगा कि आज 13 घंटा पढ़ेंगे। अब मजा तो बहुत आया फील करके कि 13 घंटा, 45 मिनट में उठा देगा तुमको। तुम प्रोग्राम बनाओ डेली 2 घंटे का कि 2 घंटा पढ़ेंगे आज, 2 घंटा पढ़ेंगे, वो 2 घंटे खत्म करो, कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, उस 2 घंटे में चीज खत्म करो, फिर एक्सटेंड कर दो कि 2 घंटा और पढ़ लेते हैं यार। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा ना, तुम पलट कर इसको बनाओ। तुम पढ़ो डेली 7-8 घंटे 10 घंटे, पर टारगेट बनाओ सिर्फ 2 घंटे का। तो जब तुम 2 घंटे का टारगेट बना के 7 घंटे पढ़ोगे, तो एवरी डे तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वे 3 घंटे का टारगेट था, आज तो 8 घंटे पढ़ लिए। अभी क्या होता है, 13 घंटे के टारगेट में तुम 4 घंटे में कोलैप्स कर जाते हो, एवरी डे डिमोरलाइज होते हो। हाँ, अभी तुम्हें क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, छोटे टारगेट बनाओ, उसको पूरा करो, सरप्लस में चले आओ, और 2 महीने बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जितना मन चाहे उतना पढ़ो। तुम प्यार कर लो किसी से और प्यार में धोखा मिलता ही है, वो नेचुरल फिनोमिना है, और इतनी आग तुम्हारे अंदर लग जाएगी कि तुम कंसिस्टेंसी पे ही चलो। देखो देखो मैं तुम्हारा सुनो मेरी, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें तुम बाहर से कुछ भी नहीं ले सकते। बाहर की जो दवाई होगी वो हमेशा अच्छी तो लगेगी सुनने में, काम नहीं आएगी। इसलिए तुम्हारी चैलेंज है ये, तुम इसका सॉल्यूशन निकालो। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सुनने में बहुत अच्छी हैं, डिसिप्लिन उनमें से एक है। जैसे इसने पूछा ना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन, मैंने क्या कहा पहला लाइन कि इस पर प्रवचन देने में बड़ा अच्छा लगता है, जो फॉलो करता है ना उसे ही पता चलता है कि डिसिप्लिन चीज क्या है। इसलिए पहली लाइन मैंने यही बोली कि यार बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, प्रवचन वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब सुनकर तुम्हें अच्छा बहुत लगेगा, पर तुम अपनी दवा इवॉल्व करोगे तो तुम्हें सूट करेगी। तुम्हारा चैलेंज है तुम ही सॉल्यूशन निकालो कि क्या करना है। चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू।